हम लोगों ने वन्य जीव विहार सारे पढ़ लिए थे, 11 विहार थे उन सभी को पढ़ लिया था, और पक्षी विहार वो सभी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद भी कुछ फैक्ट रह जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वन्य जीव परिरक्षण, ठीक है, वन्य जीव परिरक्षण यानी कि जो वन के जीव हैं उनका रक्षण करना, उनकी रक्षा करना। तो रक्षा करने का मतलब एक प्रकार से ये भी तो ले सकते हैं रक्षा करना कि उनको बिल्कुल विहार बना दिए या चिड़ियाघर बना दिए, तो उनको क्या किए कैद करके रख दिया। तो एक प्रकार से जानवरों को पहले तो जंगलों में रहते थे, बिल्कुल जो है फ्री रहते थे, लेकिन अब क्या है उनको एक घर दे दिया गया। ठीक है, उसी को विहार कहा गया, अभयारण्य कहा गया, प्राणी उद्यान कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बनाए गए। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं, वन्य जीव परिरक्षण यानी कि जीवों को कैद कर देना एक प्रकार से, यही तो हुआ, जीवों को कैद कर देना एक प्रकार से। तो ये सबसे पहले कभी ना कभी शुरू हुआ होगा ना, कब शुरू हुआ था तो याद रखिएगा कि वन्य जीव परिरक्षण, ठीक है, कि शुरुआत जो हुई थी वन्य जीव परिरक्षण की शुरुआत ये कहां से हुई थी। देखिए, वन्य जीव को अभी मैंने बताया, जीवों को कैद करना, जीवों को बंदिश बना लेना। ठीक है, तो स्टार्ट देखिए कैसे आपको याद रहेगा, 1757। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जितने भी अंग्रेज थे वो सभी राजा बन गए थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की चलने लगी थी और जो है क्या कहते हैं भारतीय बिल्कुल कैद हो गए थे। फिर 100 साल के बाद क्या हुआ, 1857, 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी और चंद्रशेखर आजाद थे, भगत जो है चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, उन सभी लोगों को जो है बंदी बना लिया गया था। उसके बाद ठीक 1857 बहुत ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। फिर ये याद रखिएगा 100 साल के बाद 1957 में देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन किसे बंदी बना दिया गया, अब जानवरों को बंदी बनाकर उनको जो है उनके घर में रख दिया गया, नजरबंद। ठीक है, अब वो कहीं भी फ्री नहीं है। तो ये साल ही कुछ ऐसा रहा है बंदी बनाने वाला। तो अब आपको याद रहेगा कि शुरुआत कब हुई थी, 1957 में, याद रहेगा 1957 में या 1956 में, 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं पेपर में आपको 57 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 56 भी मिलेगा, तो 56-57 में इसकी शुरुआत हुई थी, दोनों मिले तो 56 लगाइएगा। वन्य जीव परिरक्षण की शुरुआत जो हुई थी यहां पर हुई थी 56 में। अब इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर वन्य जीव यानी कि उन जानवरों के लिए कहीं चिड़ियाघर बनवाना है, कहीं कोई जानवर को ले जाना है लाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया जाता होगा, यानी कि इसका जो है प्रशिक्षण केंद्र होगा ना, प्रशिक्षण केंद्र, इसका कहीं ना कहीं प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो केंद्र कहाँ है, दो जगह है, एक तो है लखनऊ में होना ही चाहिए, लखनऊ तो राजधानी है, ठीक है, और एक है इटावा। इटावा में क्यों हो गया परिरक्षण केंद्र, इटावा में क्यों हो गया, अभी आने वाले कुछ पॉइंटों में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, लखनऊ तो राजधानी है, वहां तो हर चीज है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, और इटावा में क्यों हो गया ये अभी आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, परिरक्षण केंद्र इसका परीक्षण सप्ताह भी मनाया जाता है, प्रशिक्षण सप्ताह मनाया जाता है, फर्स्ट वीक यानी कि प्रथम सप्ताह अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, तो जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है उसी को वन्य जीव परिरक्षण के रूप में मनाया जाता है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। ये 3 पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो है क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान या उद्यान मान लीजिए, उद्यान, ठीक है, वन्य जीव उद्यान जिसे कहा जाता है उद्यान, उद्यान का मतलब एक प्रकार से बगीचा होता है। ठीक है, विहार जो होते थोड़े बड़े बड़े प्रकार के होते हैं, जो उद्यान होता थोड़ा सा छोटा प्रकार का होता है, तो उद्यान, उद्यान का मतलब हो गया चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हो गया। ठीक है, जैसे लखनऊ में चिड़ियाघर, अगर पूरे देश पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिड़ियाघर है, लखनऊ में चिड़ियाघर है, पूरे प्रदेश में लखनऊ में ही चिड़ियाघर है और कहीं नहीं है। ठीक है, और दूसरा चिड़ियाघर कानपुर में है, तीसरा कहां, गोरखपुर में, इसके अलावा और कोई चिड़ियाघर है नहीं। तो याद रखिएगा 3 चिड़ियाघर है, कौन कौन से, लखनऊ में है, लखनऊ एक चिड़ियाघर लखनऊ में है, एक कानपुर में है,
कानपुर में है, और तीसरा गोरखपुर में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। तो याद रखिएगा, चिड़ियाघर का मतलब ये होता है कि चिड़ियाघर का मतलब ये होता है छोटा सा प्लेस होता है लखनऊ के जो हजरतगंज चौराहा है, बस उसी चौराहे पर है, जिसका नाम अब अटल चौक हो गया है। उसी चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर ही उसका गेट लगा है। क्या है, चारों ओर से बाउंड्री है, ठीक है, और बीच में जो है, बीच में क्या है, बहुत सारे जो है वन, जैसे बहुत सारे पेड़ों को लगाया गया है, उसी पेड़ों में जो है जानवरों को रखा गया है। किस लिए? इंसानों को घूमने के लिए, कि इंसान जाएंगे और जानवरों को देखेंगे और चले आएंगे, बस इसीलिए जो है ये चिड़ियाघर बनाया गया है, ठीक है। अब ये तीन जगह है, लखनऊ में राजधानी है, उसके बगल में कानपुर है वहां है, और गोरखपुर पूर्वोत्तर में। तो तीन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा जहां पर चिड़ियाघर है। अभी गोरखपुर वाला तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है चल रहा है, तो ये बहुत ही पुराने हैं, ठीक है ना। इसका जो लखनऊ वाला नाम है, इसका जो नाम है चिड़ियाघर का, ये वाजिद अली शाह के नाम से है। क्या? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इनके नाम पे, वाजिद अली शाह। ये कौन थे? ये कौन थे? ये अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह जो थे, ये उत्तर प्रदेश के अंतिम नवाब थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनके बाद और कोई नहीं हुआ था। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के बाद इसका जो नाम है एलन फॉरेस्ट है। एलन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है, यानी कि एक ऐसा जंगल जहां पे लोग घूमने जाते हैं और प्राणी वहां पे रहते हैं, ऐसा जंगल। तो ऐसा जंगल है यहाँ कानपुर में, ठीक है, यानी कि चिड़ियाघर है कानपुर में। गोरखपुर में है अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान के नाम से है। अशफाकुल्ला खान जो है वो कहाँ के थे? अशफाकुल्ला खान गोरखपुर के थे। पूछा जाता है अशफाकुल्ला खान ये शहीद हुए थे, ठीक है, शहीद अशफाकुल्ला खान, तो ये कहाँ के थे? गोरखपुर के थे। तो अशफाकुल्ला खान गोरखपुर के थे। एलन फॉरेस्ट, ये तो अंग्रेज थे, इन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी कानपुर में, ठीक है, इसलिए इनके नाम से हो गया। और लखनऊ का जो है, लखनऊ के नवाब जो थे, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके नाम पर हुआ। तो ये जो है तीन चिड़ियाघर हो गए। उसके बाद इससे जो है तितली पार्क के रूप में, तितली पार्क के रूप में विकसित किया गया पार्क, ठीक है, तितली पार्क के रूप में इसे विकसित किया गया है, तितली पार्क के रूप में। फिर उसके बाद है सफारी पार्क। सफारी पार्क, सफारी पार्क क्या होता है? सबसे पहले तो यही याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लॉयन सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क, एलिफेंट सफारी पार्क, हिरन सफारी पार्क, ये क्या होते हैं? सफारी पार्क का मतलब क्या होता है? देखिए, सफारी वर्ल्ड किससे बना है? सफर से बना है, सफर, बस यही होते हैं सफारी पार्क। क्या होता है सफारी पार्क? देखिए, जैसे आपका चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर जो भी लोग गए हैं तो क्या होता है, वहां पे पैदल घूमा जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वाहन अलाउड नहीं, वाहन बाहर खड़ा कर दीजिए, आराम से अंदर पैदल घूमिए जाकर, तो उसे कहते हैं चिड़ियाघर बना, कहते हैं। अब ऐसा चिड़ियाघर जहां पर हम गाड़ियों से सफर करते हैं, यानी कि हम अपना कोई मतलब कि रोड चलते 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 हम पूरा जो है देख लेते हैं, तो उसको सफारी पार्क कहते हैं, यानी कि सफर करते करते पूरा पार्क देख लेते हैं, तो उसको ही सफारी पार्क कहते हैं। समझ में आया होगा, सफारी पार्क होता सफर करते करते देखिएगा, ठीक है, तो होता सफारी पार्क हो गया। अब इसके लिए हो सकता है पार्क बना, ऐसे भी हैं कि पार्क बना हो, उसके अंदर बहुत सारे वाहन है, जैसे बच्चों वाली ट्रेन होती है तो उसके अंदर होती है, तो उसमें बैठ के आप आराम से पूरा जो है चिड़ियाघर घूम सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है जैसे रोड के किनारे बना दिया गया और वहां पे जानवर दिखाई देते हैं, आप जाते हुए उसके देख सकते हैं, या अपने वहां से जाते हुए उसको देख सकते हैं, तो ऐसा हो गया सफारी पार्क, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कितने सफारी पार्क हैं? देखिए, मुख्यतः तो तीन ही है, मुख्यतः तीन है। एक तो है नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क। जो नाइट सफारी पार्क है, यानी कि ऐसा सफारी पार्क जिसमें नाइट में देखा जाता है, मतलब वहां पे इतनी जो है लाइटनिंग की सुविधा है, लाइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइटों की सुविधा है, और बहुत ही मतलब कि रात में उसे देखने पे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको नाइट सफारी पार्क कहा गया। यानी कि ऐसा उद्यान, ऐसा पार्क जो रात में देखा जाए, वो सफर करते हुए देखा जाए, उसे कहा गया नाइट सफारी पार्क। तो ऐसा कौन सा पार्क होगा और कहाँ होगा जहाँ हमेशा लाइट यानी कि रात में आती रहती है? तो ऐसा ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल इलाका है पश्चिम में, ठीक है, तो वहां पे हमेशा लाइट आती रहती है, तो ये हो गया ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा,
नोएडा, देखिए नोएडा जो है कई मायनों में बिल्कुल दिल्ली जैसा है। नोएडा जो है कई मामलों में, नोएडा और गाजियाबाद काफी डेवलप एरिया है, ये बिल्कुल दिल्ली जैसे हैं, बहुत ज्यादा डेवलप है। तो नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिएगा, ना से नोएडा ना से नाइट, तो नाइट सफारी पार्क जो हो गया नोएडा में हो गया। फिर उसके बाद है लॉयन सफारी पार्क, लॉयन सफारी पार्क है, एलिफेंट सफारी पार्क है, एलिफेंट सफारी पार्क है, और हिरण सफारी पार्क है, हिरण सफारी पार्क है। ये सभी पर सभी नाइट सफारी पार्क है, लॉयन सफारी पार्क है, एलिफेंट सफारी पार्क है, हिरण सफारी पार्क है, ठीक है। यानी कि वहां पे केवल हिरण ही पाए जाएंगे, वहां पे केवल ही ये क्या कहते हैं एलिफेंट ही पाए जाएंगे, वहां पे केवल लॉयन ही होंगे, और यहाँ पे 5 प्रकार की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये सभी कहाँ पर है, ये सभी है इटावा में, इटावा, ठीक है, इटावा में है, इटावा में ही है, ठीक है। चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, किसमें, चंबल, चंबल अभ्यारण्य, यानी कि चंबल अभ्यारण्य जो है बहुत बड़ा है, उसी को छोटे छोटे पार्टों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। चंबल अभ्यारण्य, चंबल कहाँ है, इटावा मैनपुरी, ठीक है, इटावा मैनपुरी उधर है पूरा चंबल, चंबल जो नदी है उसी के आसपास का जितना क्षेत्र है वो चंबल क्षेत्र कहा जाता है, और वहां पे जो भी अभ्यारण्य है उसे चंबल अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये सभी लॉयन सफारी पार्क कहाँ है, इटावा चंबल अभ्यारण्य में, एलिफेंट सफारी पार्क कहाँ है, इटावा चंबल, और हिरण सफारी पार्क कहाँ है, इटावा में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद है तो हम लोगों ने चिड़ियाघर पढ़ लिया, कितने हैं, 3, सफारी पार्क पढ़ ली, ये भी 3 और 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य है, ये भी 3 ही है। कौन कौन से, पहला है कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, पहला है खीरी वाला, क्या नाम है खीरी वाले का, और दूसरा है और तीसरा है, 3 बाघ अभ्यारण्य है। पहला तो लखीमपुर खीरी में है, दुधवा, दुधवा, ठीक है, कहां पर है, दुधवा, ये बाघ अभ्यारण्य है और पहला बाघ अभ्यारण्य है, कहां है, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। याद कैसे रखेंगे, दूध खीर, खीर किससे बनाई जाती है, दूध से बनाई जाती है, खीर दूध से बनाई जाती है, तो दुधवा कहां है, लखीमपुर खीरी में है। एक है अमनगढ़, अमनगढ़ बिजनौर में है, कहां है, बिजनौर में है, और एक है पीलीभीत में, पीलीभीत, ठीक है। तो 3 ये हो गए, बिजनौर में है बाघ अभयारण्य, एक तो दुधवा हो गया, खीरी में हो गया, पीलीभीत में हो गया। क्या याद रखिए, पीला भात, पीला भात, पीला भात, जब खीर बनाओ तो उसमें कुछ मान लीजिए पीला पीला केसर वगैरह डाल दीजिए, केसर, पीला पीला खीर हो गई, ठीक है। और अमनगढ़ बिजनौर, अमनगढ़ बिजनौर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक है अमनगढ़, ठीक है, जगह है, उसी जगह का नाम है अमनगढ़, बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है अमनगढ़, वहां पर है, पीलीभीत में है। तो ये 3 बाघ अभ्यारण्य हो गए, ये तो अपना राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, ठीक है, और ये दोनों राजकीय है, यानी कि राज्य के अंतर्गत अभी तो आते हैं, अभी राष्ट्रीय नहीं हुए, लेकिन ये राष्ट्रीय है। अमनगढ़ जो हो गया ये 2012 में घोषित हुआ था, और ये 2014 में घोषित हुआ था पीलीभीत। तो 3 ये बाघ अभ्यारण्य याद रखेंगे, एक दुधवा हो गया, अमनगढ़ हो गया, और पीलीभीत हो गया, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, तो ये आपके 3 बाघ अभ्यारण्य हो गए। फिर उसके बाद है घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य, ये भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, कौन सा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि इससे बड़ा नहीं है, भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, चंबल नदी क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र, यानी कि चंबल नदी में बहुत ही ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, सबसे बड़ा है, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद मयूर, मयूर ये परिरक्षण केंद्र या क्षेत्र, परिरक्षण क्षेत्र जो होगा ये कौन सा है, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन। अब देखिए कैसे याद रखिएगा, जो मथुरा के कौन थे, श्री कृष्ण थे, तो मथुरा के श्री कृष्ण जो थे अपने सर पे जो है हमेशा मोर का पंख लगाए रहते थे,
जो श्री कृष्ण अपने सर पर मोर का पंख लगा रहते थे, तो वहीं से याद रखेगा मयूर पर्यटन केंद्र कहाँ होगा, मथुरा में होगा, मयूर मथुरा में होगा। फिर दूसरा चीज है भालू, भालू पर्यटन क्षेत्र जो है वो भी कहाँ है, मथुरा में। कैसे याद रखेगा, श्री कृष्ण जो थे कैसे थे, सांवले थे, सांवले से उनको थोड़ा और सांवला कर दो, थोड़ा काला कर दो, तो काले श्री कृष्ण काले थे और भालू भी कैसा होता है, काला काला होता है। तो इसे याद रखेंगे मयूर और भालू दोनों कहाँ है, मथुरा में है। घड़ियाल का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये चंबल नदी क्षेत्र है, ठीक है। चंबल नदी क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा अभ्यारण है चंबल का, इसमें बहुत नाना प्रकार की जो है प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। अगर आपसे कुछ नया कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका 80% जो आंसर होगा वो चंबल नदी क्षेत्र ही होना चाहिए, जो भी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो वहां पे निवास करती हैं। तो अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपके पास जो है पहले कभी ना पढ़े हो, तो उसका आंसर चंबल नदी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है काले हिरण का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, काले हिरण का, ठीक है। काले हिरण का क्षेत्र कहां पर है या काले हिरण कहां पे पाए जाते हैं, दो जगह, एक तो पाए जाते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ कैसे याद रखेंगे, अलीगढ़ किस लिए मशहूर है, ताला के लिए, ताला काला, ताला काला, कुछ सिमिलर लग रहा ना, काला हिरण, ठीक है। तो काला 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 ताला अलीगढ़, अलीगढ़ में ताला भी है, काला भी है, ताला भी है, काला भी है, ऐसे याद रखिएगा। और इलाहाबाद में, इलाहाबाद है, इलाहाबाद को कैसे याद रखोगे, इलाहाबाद को ऐसे याद रखिएगा मेजा कोराव, मेजा कोराव, कोराव, देखिए कारा कारा इसमें भी निकल रहा है, कोराव कोराव, ठीक है, कोरा कारा, ठीक है, इसमें भी कारा कारा निकल रहा, काला हिरण कारा, मेजा कारा इलाहाबाद में। और ये है गभाना प्रदेश, गभाना, ठीक है, गभाना प्रदेश, जैसे लग रहा है नभ नभ, अगर उल्टा पढ़ोगे नभ नभ निकल रहा है, नभ का मतलब बादल, बादल कैसे होते काले काले, तो ये काला हिरण हो गया। ये दो क्षेत्र आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वन्य जीव परिरक्षण के चैप्टर में ये कुछ और पॉइंट थे जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जितना हमने पहले बताया था वो और ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है विधिवत नोट्स बनाइए, हमने तो पीडीएफ दे रखी है, नोट्स भी बनाइए आप, और उससे जो है विधिवत जैसे हमने ट्रिक बताई है वैसे आप याद करते रहिए, आपका तैयार होता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।